दोस्तों आ चुके हैं हम लोग अपनी टाटा नेक्सॉन के अंदर आपकी सबकी प्यारी। और दोस्तों आज हम लेके आए हैं रिव्यू अपना टच स्क्रीन का, हम लोग जो कि है क्रॉस लिंक व्हील का एक एंड्रॉयड सिस्टम जिसका हमने सॉल्यूशन करा था। हमने आपको लास्ट से लास्ट वीडियो में हमने बताया था, ये हमने टाटा की जेन्युइन एक्सेसरीज के अंदर आकर के हमने इसको इंस्टॉल किया है। और दोस्तों इसका आज हम ओवरव्यू देंगे। दोस्तों स्वागत करते हैं आपका अपने चैनल UNV व्लॉग पे दोस्तों। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। आगे देखिए दोस्तों, ये हमने टाटा मोटर से इंस्टॉल कराया था करीब 32,000 के अंदर। और ये इसका हमने करीब एक वीक का हमने इसका एक्सपीरियंस ले लिया है और आज हम इसका रिव्यू लेके आए हैं। दोस्तों जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, इसका जो है टच रिस्पॉन्स काफ़ी अच्छा है, काफ़ी स्मूथ है। ये 2GB 16GB इंटरनल मेमोरी के साथ में आता है। और दोस्तों इसके अंदर जो है आप देख रहे होंगे, यूट्यूब मिल जाएगा हमें, प्ले स्टोर मिल जाता है, इसके अंदर नेविगेशन मिल जाता है, गैलरी मिल जाती है, फाइल मैनेजर है। इसके अंदर अगर हम फ़ोन को मिरर करना चाहते हैं तो फ़ोन लिंक का है, इसमें ऐप दिया हुआ है। सबसे बड़ी बात खासियत जो है इसके अंदर है वो है DSP। इसके अंदर DSP आपको मिलता है इनबिल्ट। ये देखिए दोस्तों, इसके अंदर जो है ये DSP के अलग से एक चिप लगती है, इस जिसे कहते हैं डिजिटल साउंड प्रोसेसिंग, साउंड प्रोसेसर या प्रोसेसिंग कुछ भी कह सकते हैं आप। और दोस्तों इसकी वजह से जो है इसकी क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा एनहेंस हो जाती है म्यूज़िक की। और आप जैसे कि आप देख रहे होंगे, इसके हम अपने हिसाब से उससे कस्टमाइज़ कर सकते हैं। इसे हम SRS में ले सकते हैं, डॉल्बी ले सकते हैं इसके अंदर, हम इसको हम DTS में ले सकते हैं। और हम इसका इसके आगे हम ये ऑप्शन दिया हुआ है इसमें, और चाहे तो हम इसका साउंड जो है चेंज कर सकते हैं। यहाँ से आप ये देख रहे होंगे, हम जिस एरिया में हमें साउंड चाहिए उस पर हम इसको हम क्या कहते हैं साउंड को मूव कर सकते हैं। और जो कि आपका काफ़ी अच्छा आपको म्यूज़िक का जो है आपको जो फील है वो आएगा। दोस्तों जैसे कि आप देख रहे होंगे, इसमें काफ़ी अच्छे फीचर्स दिए हुए हैं। दोस्तों देखिए, दोस्तों मैं आपको दिखाता हूँ, आपको बाकी इसमें और फीचर्स दिखाते हैं। ये इसकी इसका मेन मेन्यू है, मेन पेज है इसका। देखिए कार सेटिंग में जाते हैं हम लोग, यहाँ पे आपको दिख जाता है कार्ड पोर्ट सिस्टम इन्फो और फैक्ट्री सेटिंग के लिए हमने 1, 2, 3, 4 टाइम 8 दबाना होता है इसमें, और ये हमारी फैक्ट्री सेटिंग खुल जाती है। इसके अंदर आप जो भी आप इसके अंदर पैरामीटर चेंज करना चाहते हैं वो आप चेंज कर सकते हैं अपने हिसाब से। जैसे हम लोग साउंड के लिए जाते हैं USB, देखिए हम साउंड को अपने हिसाब से इसमें बेस इफेक्ट बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं। दोस्तों देखिए जैसे ये है, हम इसको 7 कर सकते हैं, 5 कर सकते हैं, जैसे हमने इसको 4 कर दिया, हमने इसको बेस थोड़ा ज़्यादा हो रहा है, इसको हम लेवल पे ले आते हैं दोस्तों। और आप देख रहे होंगे इसमें बहुत सारे फीचर्स हैं जो कि आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। और इसमें लोगों का ऑप्शन भी आता है, आप लोगों भी सेट कर सकते हैं अपना। और इसमें काफ़ी सारे फीचर्स हैं। और इसके अंदर इसके अलावा इसका कार सेटिंग आ जाती है, सेटिंग इनटू कार्स। देखिए आप दोनों ऑप्शन, आप AC का ले सकते हैं, क्लाइमेट अगर आपका ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल है तो उसको आप सेटिंग कर सकते हैं। यहाँ से एंड्रॉयड सेटिंग आ जाती है इसमें, एंड्रॉयड सेटिंग में ये वेलैंड WLAN सब आपको सेटिंग्स दिखाएगा। पहले मैं आपको इसका एंड्रॉयड सिस्टम दिखा देता हूँ, कितना इसका एंड्रॉयड है। दोस्तों जैसे कि आप देख पा रहे होंगे 11.1 इसका एंड्रॉयड है। इसे हम खोलना, हम देखते हैं इसमें 11.1 का इसमें एंड्रॉयड सिस्टम है। काफ़ी स्मूथ रिस्पॉन्स है। जिस भी भाइयों के पास में XM मॉडल है वो इस वाले मॉडल के लिए जा सकते हैं दोस्तों। और साथ में इसका आपको वॉल्यूम का सेटअप मिलता है, आप इसके अंदर अपनी वॉल्यूम किस हिसाब से एडजस्ट करनी है, मीडिया की, कॉल की आपको वॉल्यूम कितनी रखनी है, मिक्सिंग रेशियो कितना रखना है आपको, वो सब आप इसके अंदर आप एडजस्ट कर सकते हैं। साथ में इसका ब्राइटनेस है, इसका आप कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। देखिए कम कर दिए, ये देखिए बढ़ गया, इसमें फुल ब्राइटनेस हो गया, ये देखिए दोस्तों। और इसका बैक लाइट का भी आप इसका ब्राइटनेस कम ज़्यादा कर सकते हैं। और दोस्तों इसमें GPS भी इसके अंदर, जो कि GPS से आपको पता लग जाएगा, इसका GPS की जो यूनिट है वो यहाँ पे लगाई हुई है, लेकिन इसको हम अंदर करवाएंगे आगे। और ये देखिए दोस्तों GPS का इसमें आपको नेविगेशन से आपको पता लग जाता है, आपका ट्रैक करने में आपको ईजी होता है। स्टीयरिंग कंट्रोल्स हैं, अभी हमने गाड़ी पर अपने स्टीयरिंग कंट्रोल्स फिट कराने हैं, अभी हमने ये फिट कराएंगे, उसके साथ में हम इसको एडजस्ट करेंगे दोस्तों।
और एक भाई का हमारा रिव्यू, हमारा एक भाई का कमेंट आया था कि आप जो ये लगा रखा है, ये जो आपने स्टीयरिंग कवर लगाया है दोस्तों, ये थोड़ा सा उनको पसंद नहीं आया। तो ये हम लोग जो है, जब हम अपना गाड़ी का स्टीयरिंग कंट्रोल लगवाएंगे तब हम इसका स्टीयरिंग कवर भी इसका चेंज करेंगे साथ साथ में। तो मे भी आपको उस समय फिर आपको दिखाएंगे, उसकी वीडियो अलग से आएगी हमारी। तो चलिए दोस्तों, हम वापस अपने टॉपिक पर जाते हैं। ये देखिए दोस्तों, जैसे कि आप देख रहे होंगे इसमें लोगो सेटिंग है। अदर सेटिंग में ज़्यादा करके आप अपना फ्लोटिंग बार, हैंड ब्रेक, स्क्रीन सेटिंग और रिवर्स सेटिंग अपने आप एडजस्ट कर सकते हैं अपने हिसाब से। इसके अलावा देखिए दोस्तों, इसमें हमें रेडियो का ऑप्शन मिल जाता है। देखिए, हम जैसे रेडियो खोला हमने, ये रेडियो का ऑप्शन मिल जाता है। साउंड आउटपुट अच्छी है, आपको आपको जरूर पसंद आएगी इसकी साउंड। इसका कंट्रोल देखिए, यहाँ से भी कंट्रोल आप कर सकते हैं, आप वॉल्यूम के लिए यहाँ से भी कर सकते हैं। ये रहा वॉल्यूम, से देखिए प्लस, यहाँ से भी हम लोग इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये देखिए दोस्तों, बढ़ रही है साउंड, कम हो रही है। देखिए दोस्तों, इसके अलावा इसके अंदर आपको एक इसमें ऑडियो वीडियो का भी आपको इनपुट देने का भी ऑप्शन मिलता है, जो कि हमारा एक्टिवेट नहीं है। और इसको हम जो है आगे देखेंगे, अगर हमें ज़रूरत पड़ेगी, जो रिक्वायरमेंट पड़ती है, तो इसको ज़रूर हम लोग इसको जो है अपना हम लोग इसको एक्टिवेट कराएंगे। साथ में इसके देखिए दोस्तों, यूट्यूब भी है इसके अंदर, आपको मैं यूट्यूब दिखा देता हूँ। इसका क्लैरिटी काफ़ी अच्छी है। जो भी भाइयों के पास में टाटा नेक्सॉन में XM Plus, XM S तक जो मॉडल हैं, वो भाई लोग ये सिस्टम लगवा सकते हैं। मैं आपको अपना ही एक वीडियो दिखाता हूँ चला करके। आपको NCS का सॉन्ग सुनाता हूँ अभी, तो उसमें ढूंढना पड़ेगा। देखिए दोस्तों, अभी हम लोग NCS, ये आपका डिपेंड करेगा आपके नेट की स्पीड के ऊपर। तो देखिए, मैं NCS का सॉन्ग चला रहा हूँ, उससे आपको साउंड का आइडिया हो जाएगा। और दोस्तों, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपने ईयरफोन लगा लें, तभी आपको साउंड का पता लगेगा। ये देखिए दोस्तों, हमारा NCS का सॉन्ग चल चुका है। इसकी हम आवाज़ बढ़ा देते हैं। देखिए, मैं यहाँ से बढ़ा रहा हूँ इसकी साउंड। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, साउंड का आउटपुट काफी एनहेंस हो चुका है। देखिए दोस्तों, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि साउंड काफ़ी एनहेंस हो चुकी है पहले से। जो इसमें स्टीरियो लगा हुआ आता है उस पर, उसके हरमन का छोटी सी 2.5 इंच की जो डिस्प्ले, छोटी डिस्प्ले वो आती है यहाँ पे लग करके, उसका आउटपुट ठीक है लेकिन इतना अच्छा नहीं है। लेकिन जब से ये स्टीरियो लगाया है, इसमें DSP कंट्रोल्स हैं और आप अपनी सेटिंग चेंज कर सकते हैं, उसके बाद से इसकी साउंड जो अलग ही नेक्स्ट लेवल पर चली गई है। आप एक बार इसे चेकआउट जरूर कर सकते हैं आप। इसके बाद में मैं आपको दिखाता हूँ इसके अंदर जो है, आप अपना आपका फाइल मैनेजर भी सिस्टम है इसके अंदर। देखिए, 16 GB इंटरनल स्पेस है, ये देखिए यहाँ पे दिखा रहा था। ये देखिए दोस्तों, 16 GB इसमें है इंटरनल, जो कि अभी 10.63 जो अवेलेबल स्पेस है इंटरनल का। ये देखिए दोस्तों, इसके अंदर ये सारे अभी ऑप्शन दिख रहे होंगे आपको। सेम जैसे आपका एक मोबाइल होता है, उसी तरह से ये वर्क करता है दोस्तों। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे दोस्तों, अभी हम लोग अंदर जाते हैं, आप देख रहे हो कि ब्लूटूथ बहुत सिंपल है, इसको कनेक्ट करना। आप ब्लूटूथ अपना ऑन कीजिए, यहाँ पे हमारा ब्लूटूथ का फ़ोन दिखा देगा, उसको आप कनेक्ट कर लेंगे यहाँ से। बहुत सिंपल है, मैं आपको करके नहीं दिखा रहा हूँ, वो आप कर सकते हैं खुद ही। और इसके अलावा फिर हम लोग जो है
इसके जो है हम डीएसपी में आ जाते हैं, डीएसपी का मैंने आपको दिखा दिया है फीचर्स का सारा का सारा। साउंड आप इसमें कंट्रोल कर सकते हैं इसका साउंड जो है, इसमें कई सारे ऑप्शन है, SRS है, डॉल्बी है, DTS है, इसके अंदर साउंड जो है काफ़ी ऑप्शन हैं, आप उसको चेंज कर सकते हैं आप उसको। और दोस्तों ये देखिए इसमें एक फ़ोन लिंक भी है इसके अंदर, जिससे कि आप अपना जो इसका जो फ़ोन जो है अपना मिरर लिंक कर सकते हैं इसके अंदर। और आपका जो इसमें वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो भी है जो कि एक ऐप के थ्रू होता है, वो जेड लिंक के नाम से एक ऐप आती है, उसके थ्रू आप इसको वायरलेस और लिए हम लोग जो है एंड्रॉयड ऑटो इसमें चला सकते हैं दोस्तों। और दोस्तों देखिए इसके अंदर फ़िलहाल यही सब कुछ है, और सारा कुछ इसके अंदर सेम जैसे आपको एक मोबाइल स्क्रीन में मिलता है सेम वैसे ही इसके अंदर आपको ऐसे कुछ मिलेगा, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे ये सारे फीचर्स इसके अंदर हैं यहाँ पे स्क्रीन पे। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, हम लोग गाड़ियों से रिलेटेड ही और एक्सेसरीज से रिलेटेड हम लोग वीडियो लाते रहते हैं, और अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ कमेंट जरूर कीजिए हमें, और साथ में बेल आइकन का जो है बटन जो जरूर हिट कीजिए, जिससे कि हमें नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और हम लोगों को मोटिवेशन मिलता रहे दोस्तों। और ये वीडियो को हम लोग यहीं तक रखते हैं दोस्तों, आपसे हम लोग जो है अगली वीडियो मिलेंगे दोस्तों, तब तक के लिए दोस्तों हर हर महादेव।